नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी YouTube चैनल हिट सन। तो आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है दोस्तों, इसमें हम जानेंगे कि अप्रेंटिस करने के लिए आपको ITI के अंदर कितने प्रतिशत नंबर प्राप्त करने होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब आपने ITI के अंदर एडमिशन लिया था तो आपका जो एडमिशन था वो मेरिट लिस्ट के आधार पर हुआ था, यानी कि जिन विद्यार्थियों के सबसे ज़्यादा नंबर थे उनको सबसे पहले बुलाया गया था। सेम क्राइटेरिया जो है आपका अप्रेंटिस में भी लागू होता है। जब आप apprenticeshipindia.org की साइट पर अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हो, वहाँ पे अप्लाई करते हो अपॉर्चुनिटीज़ में जा करके अप्रेंटिस के लिए, तो जिन स्टूडेंट्स के सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं उनको जो है सबसे पहले इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। लेकिन ITI में और अप्रेंटिस में एक छोटा सा अंतर ये होता है दोस्तों, जब आपने ITI के अंदर एडमिशन लिया था उसमें क्या होता था कि मान लीजिए मैंने कोपा ट्रेड के अंदर एडमिशन लिया है और कोपा जो ट्रेड है वो 10वीं बेस पर है। मान लो मेरे 10वीं क्लास में जो है 70% अंक हैं और मैंने 12वीं कर रखी है और ग्रेजुएशन भी कर रखी है, तो 12वीं के और ग्रेजुएशन के जो है अलग से जो एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं, 5-5 नंबर हमें मिलते हैं। तो 10वीं के 70 में जो है 5 12वीं के और 5 BA ग्रेजुएशन के लगा करके 80% नंबर जो है मेरे काउंट होते थे मेरिट लिस्ट में। ये तो है ITI का क्राइटेरिया। लेकिन अप्रेंटिस में ऐसा नहीं होता दोस्तों। अप्रेंटिस के अंदर क्या होता है, आपके ITI के अंदर जो आपको मार्कशीट मिलती है किसी भी ट्रेड की, फिटर, प्लम्बर, कुछ भी आपने किया, वेल्डर, कोपा, कुछ भी, तो जो आपकी मार्कशीट होती है सर्टिफिकेट के अलावा उसमें आपके मार्क्स लिखे होते हैं 700 में से कितने नंबर आपने प्राप्त किए, तो जो आपके मार्क्स होते हैं परसेंटेज, उनके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट लगती है अप्रेंटिस में। इसके अलावा एक और बात जो कॉमन है ITI में और अप्रेंटिस में दोस्तों, वो है रिजर्वेशन। ITI के अंदर जब आपने एडमिशन लिया था तो आपको पता होगा कि जो कैटेगरी वाइज स्टूडेंट होते हैं, जनरल, SC ST OBC, ठीक है, तो उनकी सीटें जो है निर्धारित होती है, आवंटित होती हैं। इसी प्रकार जब आप किसी कंपनी में अप्रेंटिसशिप के लिए जाते हो तो मान लीजिए 10 सीटें निकली हुई हैं, तो उन 10 में से 2 जनरल की, SC ST OBC, ठीक है, इस तरह से 2-2 या फिर 1-1 सीट अलग अलग श्रेणी के जो छात्र हैं उनको कैटेगरी वाइज दी जाती हैं, तो ये सीटें जो है आवंटित होती हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब आप अप्रेंटिस के लिए जाते हो, ज़रूरी नहीं कि आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा हों, वहाँ पे सिंपल एक ही चीज़ देखी जाती है, आपको प्रैक्टिकल में कितना आता है, ठीक है। अगर मान लो आपने कोपा ट्रेड से ITI किया है, मैंने कोपा ट्रेड से किया है, तो मैं वहाँ पे अप्रेंटिस के लिए गया था तो मुझसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा गया था कि MS वर्ड के अंदर इस पेज को टाइप करके दिखाइए। सिर्फ 4 लाइन का एक पैराग्राफ टाइप किया था दोस्तों हमने, और उसी में हमारा सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। तो सिर्फ आपकी प्रैक्टिकल स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपने फिटर से, प्लम्बर से, जिस भी ट्रेड से ITI किया है, अपनी स्किल को मजबूत कीजिए। नंबर्स कम होंगे तो भी काम चलता है, सिर्फ वो आपकी स्किल को देखते हैं। जहां तक हमारी बात है तो दोस्तों, हमने जो है 2019-20 के अंदर कोपा ट्रेड से गवर्नमेंट ITI जिनसे ITI किया था, 96% मार्क्स हमें मिले थे। इसके अलावा जिन विद्यार्थियों के 80% नंबर थे, 70% नंबर थे, उनकी भी अप्रेंटिस लगी हुई है, ठीक है। तो अब मार्क्स डिपेंड नहीं करते, डिपेंड करती है आपकी स्किल, आपको कितना अच्छा प्रैक्टिकल आता है। थ्योरी ITI में काम आएगी, लेकिन अगर आपको अप्रेंटिस पे लगना है, किसी कंपनी में जाना है, तो वहाँ पे थ्योरी इतनी नहीं मांगते, वहाँ पे मांगते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिकल जो है मजबूत होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा दोस्तों आज का वीडियो कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।